कराची तारीखी और सियाती हवालों से पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है। कराची कई हवालों से सैहों के लिए अहमियत रखता है, लेकिन कराची का सबसे बड़ा हवाला मजार कायद और कायद आजम हाउस एंड म्यूजियम है, जो कराची को तारीखी अहमियत का हामिल बनाता है। कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली शाहराए फैसल जहां आकर इख्तिताम पजीर होती है, उसके कोने पर पीले पत्थरों से बनी आलीशान इमारत सबसे अलग थलग और मुनफरद पहचान रखती है। ये इमारत मुसलमानों ने बरे सगीर के अजीम लीडर मोहतरम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और उनकी अजीज अजान बहन मोहतरमा फातिमा जिना की निस्बत से जानी जाती है। ये इमारत जिसे कायदे आजम हाउस या फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से जाना जाता है, फन तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीर में इस्तेमाल किया गया पीला पत्थर इस इमारत को इंतहाई पुरवकार और बारोब बनाने का बाइस है। दस हजार दो सौ इकतालीस स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये इमारत 1868 में तामीर हुई, जिसे अंग्रेज आर्किटेक्ट मोसेस स्मोक ने डिजाइन किया। इस घर के साकेत दरो दीवार तारीख के कई अदवार के ऐनी शाहिद हैं। आज इस घर में वो लोग तो नहीं, मगर उनकी चीजें बोलती हुई महसूस होती हैं। दो मंजिलों पर मुश्तमिल ये इमारत और इससे जुड़े वसीओ अरीज मैदान की शानो शौकत आज भी देखने वालों को सहरजदा कर देती है। ১৯২২ तक ये घर रामचंद नामी हिंदू ताजर की मिल्कियत रहा। ১৯৪০ से ১৯৪৩ तक ये घर इंडियन ब्रिटिश आर्मी के जेरे इस्तेमाल रहा। जनरल डगलस डी ग्रेसी भी यहीं क्याम पजीर रहे, जो बाद असां पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ मुकर्रर हुए। इस वक्त कायदे आजम ने इसको खरीदा, इसमें आर्मी चीफ रहा करते थे।